हेलो स्टूडेंट्स, आज अकाउंट में बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन दिखते हैं कि बैंक कॉलम ऑफ सन लिमिटेड शूज डेबिट बैलेंस ऑफ 2 लाख एज ऑन 31 मार्च 20 विच डज नॉट टैली एज पर बैंक पासबुक फ्रॉम फॉलोइंग प्रिपेयर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। फर्स्ट एंट्री है A चेक of 80,000 was deposited and bank has not credited till 31st March. Rupees 1,000 commission charged by bank is not recorded in cash book. Rupees 40,000 check was given to creditor but till 31st March was not presented in the bank. Rupees 1 lakh cash directly deposited by a customer which was later known. चेक ऑफ रुपीज 70,000 डिपॉजिटेड क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। लास्ट है अ चेक ऑफ रुपीज 20,000 इश्यूड एंड प्रेजेंटेड इन द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अभी इसकी बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट देखें तो फर्स्ट बोला गया है कि 2 लाख बैलेंस है कैश बुक के हिसाब से, फिर ऐड या लेस में जाएंगे फर्स्ट एंट्री में बोला गया है 80,000 का चेक जो है डिपॉजिट किया था बैंक ने जो है 31 मार्च तक क्रेडिट नहीं किया है, बैलेंस घटाएंगे तो लेस में जाएंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड 80,000। फिर है 1,000 कमीशन चार्ज किया बैंक ने तो इसकी वजह से भी बैलेंस घटेगा, बैंक चार्ज कमीशन 1,000। देन आफ्टर इज 40,000 चेक वॉज गिवन टू अ क्रेडिटर बट टिल 31st मार्च वॉज नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक, तो बैलेंस जो है वो ज्यादा दिखाएगी बैंक क्योंकि क्रेडिटर को दिया है बैंक में अभी तक प्रेजेंट हुआ नहीं है। बैंक में जाएंगे तो 40,000 का बैलेंस ज्यादा दिखाएगा, ज्यादा दिखाएगा तो ऐड में जाएगा चेक गिवन बट नॉट प्रेजेंटेड 40,000। फिर है चेक ऑफ 1 लाख कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर तो इसकी वजह से भी बैलेंस बढ़ेगा, फिर है 70,000 का चेक डिपॉजिट किया था बैंक ने भी क्रेडिट किया था बट कैश बुक में लिखना भूल गए हैं तो इसकी वजह से भी बैलेंस बढ़ेगा चेक डिपॉजिटेड क्रेडिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 70,000। फिर है अ चेक ऑफ रुपीज 20,000 इश्यूड एंड प्रेजेंटेड इन द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो चेक इश्यूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक कितने का है 20,000 का। अभी 80,000 वाली जो सीरियल नंबर वो इधर थी, फिर 1,000 वाली वो इधर,
फिर थर्ड नंबर जो है 40, वो ये रही आपकी। फोर्थ नंबर 1 लाख, फिफ्थ नंबर एंड लास्ट सिक्स्थ नंबर। अभी बैलेंस निकाले एज पर पासबुक, तो 40 एंड 70, 110 एंड 1 210, तो ये हो जाएगा 410। उसमें से 80 प्लस 20 1 लाख, 1 लाख 1000 माइनस कर दें तो 4 लाख में से 1 गया तो 3 लाख, 10 में से 1 गया तो 3 लाख, 9000 ये आएगा बैलेंस एज पर पासबुक। फिर से एक बार बता दूं, बैलेंस एज पर कैश बुक है 2 लाख, फिर था 80,000 का जो चेक है वो डिपॉजिट किया था बैंक में, बट 31 मार्च तक क्रेडिट नहीं हुआ है तो लेस में डाल देंगे क्योंकि बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं दिया, बैंक में बैलेंस कम दिखाएगा। वो 1000 बैंक ने कमीशन चार्ज की थी, पता नहीं था, उसकी वजह से भी बैलेंस कम होगा, वो भी लेस में जाएगा। 40,000 का चेक दिया था क्रेडिटर को बट अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ था 31 मार्च तक, तो वो बैलेंस ज़्यादा दिखाएगा। तो ऐड में 1 लाख कैश कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट की है तो उसकी वजह से भी बैलेंस बढ़ेगा ऐड में। उसके बाद 70,000 का चेक डिपॉजिट किया था, क्रेडिटर भी दे दिया था बैंक ने, लेकिन कैश बुक में लिखना रह गया था ऐड में। और 20,000 का चेक इशू किया था, बैंक में प्रेजेंट भी हो गया था लेकिन लिखना कैश बुक में रह गया था, तो वो लेस में। अभी ऐड की फिगर है 2,10,000, तो टोटल हुआ 410। लेस की फिगर है 1,01,000, 4 में से 1 गया 3, 10 में से 1 गया 9, 3,09,000 जो है वो होगा बैलेंस एज पर पासबुक।